अलैक वेलकम करता हूँ आप सबको वर्ड प्रेस की वीडियोस के एडवांस ट्रेनिंग कोर्स में। अगर कोई मसला हो, कोई हेल्प चाहिए हो तो नीचे ग्रुप का लिंक होगा फेसबुक का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं जी। इसके अलावा प्लगइन्स की बात हुई थी लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी, के प्लगइन्स एज अ प्ले स्टोर वर्ड प्रेस के काम करते हैं, और जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो हम एज अ फ्री प्लगइन से डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम प्लगइन को इंस्टॉल करना सीखेंगे, ठीक है ना। उसके लिए जैसे कि मैंने कहा, अभी हमने एलिमेंटर पे वेबसाइट बनानी है, तो हम एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे प्लगइन्स में जाके, और फिर आगे एलिमेंटर की आगे मजीद स्टडी करेंगे। तो प्लगइन्स में आने के बाद इंस्टॉल प्लगइन में जब मैं क्लिक करता हूँ, तो इंस्टॉल्ड प्लगइन में यहाँ मेरे सारे वो प्लगइन्स शो होंगे जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने भी कोई प्लगइन इंस्टॉल किया तो आपको दो तीन डिफॉल्ट प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल नजर आएंगे। ये सारे इंस्टॉल प्लगइन है, ठीक है ना। इनको अगर डीएक्टिवेट करना हो तो यहाँ से आप डिलीट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि एलिमेंटर में से मेरे पास पहले ही डाउनलोड है, मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ और दोबारा डाउनलोड करता हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है, कि किस तरीके से प्लगइन्स को। तो प्लगइन हमारा डीएक्टिवेट हो गया, यहाँ से आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। हम ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हम इसके स्टोर में आ जाएंगे, जहाँ से कोई हर किस्म का फ्री प्लगइन है। देखें हज़ारों की तादाद में इसमें फ्री प्लगइन्स है, ठीक है, जो सारे फ्री प्लगइन्स हैं। अब जो भी प्लगइन हमें चाहिए वो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा प्लगइन्स हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना, आगे जाके जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी। अभी जैसा कि हमें पेज बिल्डर की ज़रूरत पड़ी है, वो है एलिमेंटर, उसको हमें इंस्टॉल करना है यहाँ से। यहाँ हम लिखेंगे एलिमेंटर, स्पेलिंग आपने बिल्कुल एज इट इज़ लिखने हैं, ठीक है, फिर ही वो प्लगइन आपके सामने शो होता है। एलिमेंटर लिखा है मैंने, लोडिंग होने के बाद अभी शो हो जाएगा। ये देखें एलिमेंटर पेज बिल्डर टॉप में ही आ गया। यहाँ से चूंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ अपडेट नाउ आ रहा है, अदरवाइज यहाँ एक्टिव आना था, ठीक है। एक मिनट मैं इसको दोबारा से सही करता हूँ, मैं इसको जाके डीएक्टिवेट करता हूँ, मेरे ख्याल से डिलीट करता हूँ, डीएक्टिवेट कर दिया, डिलीट करता हूँ मैं, फिर आएगा वहाँ एक्टिव। तो डिलीट हो गया, अब मैं दोबारा ऐड न्यू पे जाता हूँ और यहाँ जाके एलिमेंटर लिखता हूँ। जी एलिमेंटर आ गया, अब यहाँ लिखा हुआ इंस्टॉल नाउ, ठीक है। इंस्टॉल नाउ पे करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो इसकी इजाफी डिटेल्स आपको नज़र आ जाएंगी। यहाँ नज़र आ रहा है कि इसके एक्टिव इंस्टॉलर कितने बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी 100 से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलर बैठे हैं, 5+ मिलियन, ठीक है ना। तो लास्ट अपडेट इसकी 16 आवर्स पहले डेवलपर ने इसकी लास्ट अपडेट्स की हैं, ठीक है ना। और ये टिक का, जिसमें टिक का निशान होगा वो प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मोस्टली ज़्यादा में टिक ही लगे होंगे, ठीक है। तो इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं। अगर ये तो तरीका है डायरेक्ट इंस्टॉल करना, अगर कोई प्लगइन प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप उसको यहाँ से अपलोड प्लगइन्स में जाके अपनी फाइल्स में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। मीन्स का आपने प्लगइन किसी दूसरी वेबसाइट से बाय किया या खरीदा है तो वो आपको जिप फॉर्मेट में मिलता है। उस प्लगइन को जैसे हमने थीम नहीं इंस्टॉल किया, थीम इंस्टॉलेशन की अगर वीडियो देखी है तो वही सेम प्रोसेस है अपलोड प्लगइन का भी, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से इजीली इंस्टॉल हो जाता है स्टोर से आके। तो ये इंस्टॉलेशन हो रही है, टाइम लगेगा, इंस्टॉल हो गया। अब इसको एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट हो रहा है। अच्छा, आप चूंकि अभी हमें प्लगइन भी इंस्टॉल करना आ गया, प्लगइन का पता भी लग गया क्या होते हैं, अब आगे हमारा स्टेप यह है कि हम सीखेंगे कि एलिमेंटर काम कैसे करता है, या फिर एलिमेंटर के अलावा जितने भी दुनिया के पेज बिल्डर्स हैं वो काम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अगली नेक्स्ट क्लास में हम वो सीखेंगे, और साथ ही एलिमेंटर पे वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं वो सीखेंगे। आप ये देखें एलिमेंटर हमारा यहाँ शो होने लग गया, ठीक है, और इसकी डिफॉल्ट टेम्पलेट्स होती हैं। ये टेम्पलेट्स का मतलब अभी नहीं बताऊंगा आपको, आगे जाके फिर कभी बताऊंगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगी अगली। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम करता हूँ आप सबको कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो किसी चीज़ में, किसी चीज़ में समझ ना लग रही हो, तो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का ग्रुप है, वहाँ आप ज्वाइन होकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उस ग्रुप्स को लाजमी आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज हम देखेंगे कि पेज बिल्डर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एलिमेंटर से हम
एलिमेंटर पेज बिल्डर है और उससे हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि पेज बिल्डर काम किस तरीके से करता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक वेबसाइट की तरफ लेके जाता हूँ, जो कि मैंने वेबसाइट बनाई थी एक, उसकी तरफ लेके जाके मैं आपको मिसाल दिखाता हूँ। सपोज करिए आपके सामने एक वेबसाइट शो हो रही है, इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि इसमें एलिमेंटर से वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। अब इस पेज बिल्डर का काम क्या होता है कि पेज बिल्डर काम करता है रोज और कॉलम्स में, ठीक है ना। ये वेबसाइट जो आपके सामने बनी है ये रोज और कॉलम्स में बनी हुई है, ठीक है ना। ये रो है, उसके अंदर कॉलम्स लगे हुए हैं, ये रोज हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है। ये तमाम वेबसाइट पूरी ये रोज और कॉलम्स में बनी हुई है। तो पेज बिल्डर क्या काम करता है कि पेज बिल्डर रोज और कॉलम्स में मुश्तमिल होता है, ठीक है। रोज और कॉलम्स की मदद से हमारे वेबसाइट के पेज को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। ये तो फूटर है ना, फूटर से ले से नहीं यहाँ से फूटर से ऊपर से लेके हेडर तक, ये जितनी भी वेबसाइट है, वेबसाइट का जो पेज है पेज बिल्डर से डिज़ाइन हुआ है, एलिमेंटर से। आप एलिमेंटर की मदद से वेबसाइट के पेज को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, पोस्ट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, फूटर को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, हेडर को भी। वो किस तरीके से करते हैं वो हम अभी देखते हैं आगे जाके। सबसे पहले मैं बता दूं कि पेज बिल्डर काम किस तरीके से करता है, ठीक है। पता लग गया पेज बिल्डर रोज और कॉलम्स पे काम करता है। रोज और कॉलम्स किस तरीके से होती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखाता हूँ। जो पेज बिल्डर होता है वो अपनी मर्जी होती है आपकी कि आपने कितनी रोज और कॉलम्स पे वेबसाइट बनानी है, ठीक है ना। आम तौर पे, अमूमी तौर पे जो एलिमेंटर का जो या एलिमेंटर है सॉरी पेज बिल्डर है जो, वो बेसिकली उसकी एक रो में, मीन्स के जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो अगर आप एक रो बनाते हैं, ठीक है, उस एक रो में आप 12 कॉलम्स डाल सकेंगे, ठीक है। एक मिनट मैं इसको ज़रा क्लियर कर लूँ। है उस एक रो में 10 कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना। एलिमेंटर की एक रो के अंदर 10 कॉलम्स होते हैं। अब आपकी अपनी मर्जी होती है कि आपने एक रो में कितने कॉलम रखने हैं। अभी मैं आपके सामने 10 कॉलम लगाता हूँ। ये एक कॉलम, दो, तीन, चार, बस पूरे आ जाए, चार, पांच, छः, जी एलिमेंटर की एक रो में 10 कॉलम्स होते हैं। अगर गलती से मैंने पहले 12 शायद कह दिया हो तो 12 नहीं होते, एलिमेंटर की एक रो के अंदर 10 कॉलम्स होते हैं। अब इन 10 कॉलम्स में आपकी अपनी मर्जी है कि आपने इन 10 कॉलम्स को रखना है कि नहीं, ठीक है। आप चाहें तो एक रो के अंदर एक कॉलम ही रख सकते हैं, ठीक है ना। ये अब एक रो है और एक कॉलम है, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो आप एक रो के अंदर 2 कॉलम भी रख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे इस तरीके से भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप एक रो के अंदर इस तरीके से भी 2 कॉलम रख सकते हैं, एक इस तरीके से, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो आप एक ही रो के अंदर इस तरीके से 2 कॉलम रख सकते हैं, इस तरीके से भी, ठीक है ना। सेंटर में भी रख सकते हैं, एक बड़ा एक छोटा रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इसी तरीके से जितने चाहे कॉलम्स एक रो में डाल सकते हैं 10 के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो इसी इन रोज कॉलम में वेबसाइट किस तरीके से बनती है, किस तरीके से डिज़ाइन होती है, वो हम सीखते हैं अब इससे अगले स्टेप में। तो चलते हैं हम अपनी वर्डप्रेस की तरफ और सीखते हैं कि क्या क्या आगे प्रोसीजर है, क्योंकि मुझे उम्मीद